मतलब जब तक की बोर्ड में तब्दीली होती है यही बातें होती है कि अब बहुत सारे लोगों को निकाल देंगे आजकल क्या तरह के चलांसूस है कि बड़ा जॉब परेशान होने वाला है बोर्ड पे चिट्ठी दूंगी क्या सही की बात है निकालना चाहता लेकिन इसको फाइनेंशियली भी ठीक कर पाए ये भी मेरा ध्यान है। जो भी चेयरमैन आते हैं तो अपना सेटअप लेके आते हैं वो सिलेक्शन कमेटी भी चेंज होती है कैप्टन भी चेंज होती है आपका भी कोई ऐसा इरादा है या फिर जो कैप्टन है उसको कंटिन्यू रखते हैं आप और सिलेक्शन कमेटी के हवाले से भी बताइएगा कोचेस के हवाले से तो आपने बता दें सिलेक्शन कमेटी और कैप्टन कैप्टन 100% सिलेक्शन कमेटी डिसाइड करेगी मैं नहीं डिसाइड कर सकता। सिलेक्शन कमेटी में कुछ चेंजेस हो सकता है मैं करूँ और उसको इतना फुल फ्लेज पावरफुल बनाना है कि वो सारे फैसले दे मगर क्रेडिट भी उसको मिले और अगर कहीं पे गलत चीज है तो वो भी उसको मिले तो एक हफ्ता सिलेक्शन कमेटी भी हफ्ते 10 दिन में फाइनल हो जाएगी और वो पावरफुल सिलेक्शन कमेटी होगी वो फाइनल करेगी कोच के साथ मिलके कैप्टन जो भी उनके जो उनका मर्जी है मैं उसके ऊपर कोई नहीं करूंगा कि मेरा दिल है कि इसको बना दे मैं कौन उसको कहने वाला भाई मेरा तो काम नहीं उन्होंने रिजल्ट देना वो डिसाइड करे अगर वो चाहेंगे जिसको कैप्टन बना रहे जिसको जो करना वो करे मेरा उसका मतलब नहीं है। पाकिस्तान टीम में जो है वो नए हेड कोच अभी तकरीबन आप हफ्ता दे दें हफ्ते तक कोई रिजल्ट आपके पास हफ्ता नहीं 10 दिन हम पूरी फुल फ्लेज सर्च कर रहे हैं बिकॉज आगे टीम में काबुल भी जाना है 25th से और हमारा टारगेट यही है कि हम कोचेस को जितना जल्दी फाइनल कर सकते हैं करें तो इसमें बहुत सारा बैकएंड का काम है इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर काम थोड़ा खराब होता है लेकिन फुल टाइम हम इस टाइम लगे हुए हैं कि कोचेस को फाइनलाइज करें। पाकिस्तान ही है ना जो बेस्ट है बिक्री में रही है कि जो भी आते हैं वो फैसलों को अर्जू करते हैं आप कैबिनेट की तरफ कितना जाएंगे और कौन से ऐसे फैसले जो माजी के हैं कुछ चीजों में जाऊंगा कुछ चीजों में कुछ चीजों में मजबूरी वहाँ जाना पड़ेगा। आप दो क्रूशियल पोजीशंस पे हैं इस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजिशन एंड चेयरमैन पीसीबी हमारे स्पोर्ट्स में तो आर यू कॉन्फिडेंट के यू आर यू कैन जगल बोथ द जॉब्स विच आर वेरी क्रिटिकल फॉर पाकिस्तान स्पोर्ट्स वाइज भी और सेफ्टी वाइज भी देखिये सबसे इम्पोर्टेंट बात है की उनके एजेंडे में था और मेरा ख्याल है की बेहतर है पाकिस्तान के लिए वही करें जहाँ हमें रिजल्ट बेहतर आए तो हर वो मूव करेंगे जहाँ पाकिस्तान के लिए रिजल्ट बेहतर आए। चेयरमैन साहब पहले भी जो चेयरमैन थे रमीज आजम साहब उन्होंने भी ये कहा था खासतौर पर कि हम कुछ भी हो जाए हम हाइब्रिड मॉडल में नहीं जाएंगे और हमारा जो वैल्यू एशिया कप पाकिस्तान में खेलेंगे लेकिन इस बार जो है चेयरमैन ट्रॉफी हम मेजबानी कर रहे हैं तो क्या भारत आपको कहते हैं कि हाइब्रिड मॉडल के तहत हम श्रीलंका या बांग्लादेश या कोई भी खेलेंगे तो वहां जाकर खेलेंगे या आप अपना पाकिस्तानी है हमें अपनी पूरी ट्राई कर दीजिए बाकी आपके छोड़ना चाहिए। कितना कॉन्फिडेंट है पाकिस्तान ट्रॉफी होस्ट कर सकेगा और जब भी पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात थोड़े से बेहतर हो तो आप क्या गवर्नमेंट से चाहेंगे कि वो पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड की मदद करे चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करें? डेफिनेटली अपने मुल्क के लिए जहाँ पे भी जिसकी भी मदद चाहिए होगी करने की रिक्वेस्ट भी करेंगे और हमारी पूरी तैयारी है और इंशाल्लाह ताला कोशिश यही होगी कि चैंपियन ट्रॉफी इंशाल्लाह ताला मुझे अल्लाह ताला से बड़ी उम्मीद है कि पाकिस्तान में वो अच्छा चैंपियन साहब चैंपियंस ट्रॉफी होगी बड़ा इवेंट है और पाकिस्तान के अंदर वेन्यूज कम है तो फिर दोबारा से वो हाइब्रिड मॉडल पे जाने की बातें शुरू हो जाती है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो सेंटर है इनकी अपग्रेडेशन के हवाले से और कराची लाहौर पिंडी की तो ऑलरेडी प्लान में शुरू हो गई है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि इसको कंप्लीट करें।